हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 to 1990 के सेकंड पार्ट को करवाने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। 1950 से लेकर 1990 तक के हिंदुस्तान में इसकी क्या सिचुएशन थी। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए होती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, ठीक है जी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के टॉपिक है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री एक ज़रूरी चीज़ है। इंडस्ट्री इट्स सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एपिक सेंटर लाइज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री ग्रो होती है जब हमारी, तो वो एक तरह का जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प करती है, और जीडीपी लगातार बढ़ती रहे उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें आगे मूव कराना ही पड़ता है, इंडस्ट्री को प्रॉस्पेरस करना ही पड़ता है। क्योंकि इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को दैट आर स्टेबल, जो स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू दोज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इंडिया में प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर में उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं निकलती, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, लेकिन हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम इंडस्ट्री को ग्रो करते रहें तो रेगुलर बेसिस पे जॉब्स भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं। और ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो टर्शरी सेक्टर को भी चलाता है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर दोनों इंडस्ट्री में जुड़े होते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे। इंडिया हैज़ अचीव्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू 5-ईयर प्लान्स। इंडिया ने ये सक्सेस कैसे हासिल की? 5-ईयर प्लान्स की मदद से। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने ये जरूरी का हो गया, जिसकी वजह से ये जरूरी हो गया कि स्टेट को या पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व होना पड़ा। बिकॉज एपिक सेंटर नो डाउट हम भी जानते हैं ग्रोथ का इंडस्ट्री है, और हमारा देश आज़ादी के समय गरीब था। हम उस वक्त अपने देश की इंडस्ट्री को या इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते थे, डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते थे, और ना ही इसको हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के भरोसे छोड़ सकते थे जिनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना हो सकता था, या आज भी प्रॉफिट अर्न करना ही है नो डाउट, पर प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में वो सोशल वेलफेयर को इग्नोर करते। तो मेन रीज़न क्या थे कि पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ा? सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल की मतलब क्या होता है? हमारे देश में आज़ादी के समय में टाटा बिरला के अलावा और कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाले लोग नहीं थे, और यही दो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे। इनकी रिक्वायरमेंट कंट्री, इनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि सारी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कवर कर सकें। सारे और छोटे छोटे हम इंडस्ट्रीज भी मिला लेते तब भी उनकी कैपिटल इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो सारे इंडिया की ग्रोथ को कर सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ा टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अगला पॉइंट है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। द प्राइवेट सेक्टर लैक इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। उनको कोई मतलब कोई रीजन नहीं था कि वो क्यों इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज मार्केट का साइज स्मॉल था। स्मॉल साइज की वजह से क्या था? लो डिमांड थी। स्मॉल साइज की वजह से लो डिमांड थी, और लो डिमांड की वजह से क्या था? इनकम लो थी, और उसके वजह से, इनकम लो होने की वजह से उनको क्या होता था, आगे वो सेव नहीं कर पाते थे और आगे लो इन्वेस्टमेंट होती थी। तो जिस इकोनॉमी में, जिस इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना कर पाएंगे,
ड्यू टू स्मॉल साइज या ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड तो उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो उस जगह पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था बिकॉज उनको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, नॉट गेटिंग प्रॉफिट। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ा इस ब्रेक थ्रू को तोड़ने के लिए, इस विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए, क्योंकि सरकार तो पैसा डालेगी ही डालेगी। लो डिमांड चाहे है चाहे इनकम लो है, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी पड़ी ताकि उनको रेगुलर जॉब्स या रेगुलर गुड्स की सप्लाई मार्केट में होती रहे। उसके बाद ग्रोथ चाहिए थी विद सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी की ज़रूरतों को समझा और सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो किया जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ तो आए ही आए। यहाँ ग्रोथ किस में आए, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। ग्रोथ किस में आए, प्रोडक्टिविटी में। ग्रोथ किस में आए, जीडीपी में। ग्रोथ किस में आए, पर कैपिटा इनकम में। पर यह तभी पॉसिबल था जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, बिकॉज सोशल जस्टिस एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के की विजडम पे नहीं छोड़ा जा सकता। पर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जितना मर्जी कह ले, वो अपना प्रॉफिट पहले देखेगा, वो सोशल जस्टिस की तरफ नहीं देखेगा। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पुअर थी जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, तो इसलिए सरकार को ये स्टेप लेना पड़ा कि सारी वेल्थ कहीं एक जगह ही कंसंट्रेट ना हो जाए, कुछ लोगों या कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हाथों में ही ना सिमट जाए। इसलिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट या पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी थी। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या कहता है। तो ए डेक्लोरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक रोड मैप बनाया गया, और ये कब बनाया गया, जैसे कि साल से ही पता चला 1956 से, और ये कब हुआ था स्टूडेंट्स, सेकंड फाइव ईयर प्लान में। कब बनाया गया था ये, सेकंड फाइव ईयर प्लान में। तो इसमें थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन की गई इंडस्ट्री की, जिसमें एक सेक्टर सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, मतलब कुछ इंडस्ट्री जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी, फॉर एग्जांपल रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी। दूसरा सेक्टर था जिसमें पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो सकते थे, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और तीसरा था जिसमें ओनली प्राइवेट सेक्टर विल पार्टिसिपेट। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारी जैसे ब्रेड, राइट स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आ गई। तो हमने इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन ऐसे की, ये बिकॉज सेंसिटिव पार्ट से देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे थे, ये गरीबों के लिए रेल चलाई गई थी इसलिए पब्लिक सेक्टर पे रखा, कुछ चीज़ें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए ओपन थी, और कुछ में गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट करना और अपना टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा और सोचा कि ये काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आराम से कर सकते हैं, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है सरकार की। इस तरीके की थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री की गई। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस, अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्राइवेट सेक्टर को दिया गया कि बिना लाइसेंस के कोई भी पर्सन या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती, बिकॉज स्टूडेंट्स इसका बेसिक आइडिया ये था कि इनकरेज किया जाए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि वो बैकवर्ड रीजन में भी इन्वेस्टमेंट करे, टू इन्वेस्ट इन बैकवर्ड रीजन। बेसिक आइडिया यही था, ठीक है जी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो हमेशा प्रॉस्पेरस जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी सामान मिलता हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, मार्केट हो फिनिश गुड्स की, तो वो ऐसी जगह पे ही इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे,
राइट स्टूडेंट्स, तो इसलिए बैकवर्ड रीजन की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सरकार ने शुरू किया। उसके बाद तीसरा है इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब है छूट देना, रियायत देना। बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंसेशंस दी गई, जैसे टैक्स हॉलीडेज, मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर तक कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्री लगाने के लिए टैक्स में एग्जम्पशन दी गई फॉर सम टाइम, और उसमें सब्सिडी दी गई लैंड परचेज करने के लिए एंड पावर सप्लाई के लिए, ताकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इनकरेजमेंट रहे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसमें लेस देन 10 करोड़ सेल्स हुई है। टेन करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ से लेस सेल है। सो अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज ए यूनिट हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10 करोड़ एंड 50 करोड़ ऑफ सेल। राइट स्टूडेंट्स, 1951 में ये फिगर बहुत स्मॉल थी, ये तो वो थी सिर्फ 1951 में, ये कितनी फिगर थी, सिर्फ 5 लाख इन्वेस्टमेंट। तो अब ये फिगर 10 करोड़ तक हो गई है। तो अब इसकी दो ब्रॉड डाइमेंशंस क्या हैं उसके बारे में मैं आपको चर्चा करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला था कि एक तो ग्रोथ हुई थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी। दूसरा, ग्रोथ हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट इक्वलिटी। राइट स्टूडेंट्स, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में दो चीज़ें थी। पहला हुआ ग्रोथ हुआ पब्लिक सेक्टर का, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। दूसरा हुआ डायमेंशन था ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, और ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्यों हुआ, उसमें पर्पस क्या था। एक तो इक्विटी स्मॉल कम थी, लेस इक्विटी चाहिए थी। दूसरा, इक्वलिटी इनकम में, ये रीज़न थे। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, हमारा देश इतना ज़्यादा रिच नहीं था कि सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट थी, और एक इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को एक साथ कब तक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इनकरेज किया गया, और इनकरेज करने के लिए 3 टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स हमारी इंडस्ट्री के बनाए गए। वो क्या है, पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव एंड इज देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव, वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर लेवल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेबर के साथ काम करना पड़ता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है जी। और SSI शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेस रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड नॉट स्पेशल और स्पेसिफिक प्लेस चाहिए होता है। आप कहीं भी छोटी सी जगह पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस लगाने का कारखाना,
मोमबत्ती बनाने की जगह कारखाना लगाना है अपने छोटा सा, कोई नट बोल्ट बनाने के लिए कारखाना लगाना है, तो उसके लिए कोई स्पेशल या बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए। तो लोकेशनल भी आराम से पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे भी आराम से ये काम हो सकता है, ठीक है जी। ये रूरकेला या भिलाई के स्टील प्लांट की तरह बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं हैं। SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज इक्विटी ओरिएंटेड, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। इससे क्या होगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें और अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं, और उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, उनको भी इक्वलिटी पे आने का मौका मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की क्या स्ट्रेटजी थी ट्रेड में, वो टू कम्प्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया अडॉप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान दिया ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है विच आइटम्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री नाउ विल बी प्रोड्यूस्ड इन आर कंट्री। पहले तो ये किया गया था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि हम प्रोटेक्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्री को थ्रू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा के और इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा के इन द इंटरनेशनल एरिया। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स, जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, ये तो पॉइंट मैंने आपको लिख दिया। दूसरा इसका था कि इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा यूटिलाइज होगा फॉर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स, सच एज प्लांट एंड मशीनरी, जो ग्रोथ के लिए हमारी इसेंशियल है, डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, और जो हम घर में नहीं या अपने डोमेस्टिकली नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सिर्फ उन्हीं आइटम्स को ही बाहर से मंगाएं, हर चीज़ को बाहर से ना मंगाएं। और उसके बाद तीसरा, बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट प्रेफर्ड इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रादर देन मैक्सिमाइजिंग द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की कोशिश की, जबकि हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। और हमारी गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट भी करना चाहती थी फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन से, राइट स्टूडेंट्स। तो अब साइलेंट फीचर क्या थे ग्रोथ एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 एंड इट्स गुड एंड बैड फैक्ट। तो सबसे पहले मैं फीचर्स को डिस्कस करूंगा। इसमें फीचर था एक, सबसे पहले आपको भी पता है पब्लिक सेक्टर वर गिवन सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में वी फोकस्ड ऑन
इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया वॉज डेवलप्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर इक्वालिटी। ठीक है जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, इक्वालिटी आएगी इससे, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं गुड इफेक्ट क्या थे इस पॉलिसी के। तो इससे सबसे पहले पहला गुड इफेक्ट था कि इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ हाई पुश, हमारी इकोनॉमी को जंप मिला, ग्रोथ आई। डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आ गए, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तक ही ये सीमित नहीं रहा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो बनी वो इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बनाया गया, मजबूत हुआ, आयरन एंड स्टील प्लांट्स लगा के इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और चौथा हुआ SSI से डेवलपमेंट हुई, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया फॉर ग्रोथ ऑफ कंट्री। उसके बाद बैड इफेक्ट क्या थे, बैड इफेक्ट थे कि डोमिनेंस किसका हुआ, डोमिनेंस पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा हो गया। उसके बाद दूसरा था, अब ये ग्रेजुअली पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे डेड सोशल वेट बन गया, क्योंकि अब इन्हें पता चलने लगा कि जब सब कुछ उन्हीं पे डिपेंडेंट है तो उनमें इनएफिशिएंसी बढ़ती गई, जिसकी वजह से वो करप्शन तक करने लगे, लीकेज पिल्फरेज चोरी होने लगी वहाँ पे, तो जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे ग्रोथ प्रोसेस को रोक दिया, बिकॉज प्रोटेक्ट तो हुई हमारी इंडस्ट्री बट नॉट एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारे प्रोडक्ट्स बन तो रहे थे या बन रहे हैं, 90 तक बने थे, काफ़ी हमने इंडस्ट्री में तरक्की की, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते। हमने सेविंग तो की, फॉरेन एक्सचेंज की थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जबकि हमारा फोकस होना चाहिए था हाउ टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है
कि एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फाइव ईयर प्लान्स के थ्रू हमने जो ग्रोथ की है इंडियन इकोनॉमी ने, वो एक उस बैरियर को तोड़ने में सफल रहे हैं हम, जिसमें इंडिया एक फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट तो बना ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई, ठीक है जी, हमारी इकॉनमी वाइब्रेंट एंड ग्रोइंग इकॉनमी बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, ठीक है जी। बट आज की डेट में अगर बात करें कि तो 1990 आते आते तक ये सारी चीज़ें कम पड़ने लगीं, जिसके लिए हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज जो 1950 से 1990 तक की पॉलिसी थी वो उस समय के पीरियड को या उस समय की ज़रूरतों को देख के बनाई गई थी। जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है थी या अभी भी बढ़ रही है, या हम 1990 तक की बात करें कि पॉपुलेशन के बढ़ने के से या उनमें इनएफिशिएंसी आने से पब्लिक सेक्टर में हमें अब बदलाव की ज़रूरत फील हुई थी। हमारा फॉरेन ट्रेड नहीं बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर में ज़्यादा स्टैग्नेशन आ गई थी, तो उस चीज़ के को ब्रेक थ्रू को तोड़ने के लिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ी। 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से ये पॉपुलर है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।